मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। यार बात अभी अभी ये है कि मुझे अभी छोटे भाई ने आके बताया कि लॉकडाउन लग चुका है, इसलिए मुझे बाहर जाना है और बाहर जाके मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पहले मुझे बिल जमा कराना है, उसके बाद मुझे घर का सामान लेना है, उसके बाद कल एक दावत है उसका सामान लेना है और उसके बाद मुझे बाल वगैरह कटवाना है, तो इसलिए जाना है। ठीक है, तो आज सारे काम करने हैं, जल्दी जल्दी चलो। लाइटें भी बंद करनी है यार, बिल बहुत आने लग गए, यकीन मानो ऊपर से लॉकडाउन है। दूसरा सामान लेने। फाइनली कल से लॉकडाउन है, जो दुकान में जो सामान था वो निकाल के लग रहा है, मतलब जेब खर्च निकालनी है बस, अभी वो निकालने के लिए आए और उसके बाद घर पे। फाइनली घर का सारा काम कर लिया मैंने, नेट का बिल जमा करा दिया, दुकान से जेब खर्च उठा ली और कल जो है ना एक छोटी सी पार्टी उसके लिए सारा सामान ले लिया। अब मुझे जाना है दाढ़ी सेट कराने, क्योंकि वरना 10 दिन तक ये दाढ़ी ऐसी रही। और साथ में ये भाई आए हैं, ये एक छोटे टिकटॉकर हैं, बहुत बड़े बड़े ये बंद, जब जब इनकी पेन फ्लोरिंग बढ़ती है तो तब तब जब जब वो बंद हो जाता है यार। टिकटॉक बैन होने की एक वजह ये इनको चलाना है स्नेक वीडियो, इसके कारण इन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया है। नहीं, वो स्नेक जो है ना सबसे बेस्ट वीडियो देती है, तो लोग उससे फायदा भी उठा रहे ना भाई। अभी उठाओ ना तो फायदा, नहीं भाई मुझे अच्छा नहीं लगता स्नेक वीडियो से बनाते हैं, टिकटॉक अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता भाई, हमें स्नेक वीडियो टिकटॉक अच्छा लगता है। मुस्तकबिल में गेमिंग चैनल बनाएंगे अपना, पता नहीं कब बनाएंगे। बहुत जल्द बनाएंगे, 1-2 महीने लग जाएंगे बस, बनाएंगे अपने यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह। 12-8 दिन के बाद पबजी भी खेलते हैं, लेकिन पबजी में इतना खेलता नहीं, मजा नहीं है, सर दर्द आता है। यार तो ऐसा कर, स्टेशन पर आ जा, लॉकडाउन लग गया तो 8 दिन मेरे साथ। चल ठीक है, पहुंच तू पहुंच, चल सही सही सही, चल ठीक, जल्दी पहुंच, मैं आ रहा हूँ। जा रहा हूँ शुएब को लेने के लिए, और पहले उससे थोड़ी देर कचहरी मारूंगा, शहर के हालात देखूंगा, उसके बाद जो है मैं शुएब को लेके फाइनली घर पर, फिर बाकी की बातें करेंगे। ठीक है चलो। फाइनली हम मेरपुरा स्टेशन पहुंच गए और शुएब भाई जो है मुझे यहाँ मिल गए, लेकिन आज शुएब भाई बड़े उदास है, गमगीन है, क्योंकि जो है नहीं हूँ मैं, मेरा मूड नहीं है कोई वीडियो में आने का, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे घसीट रहा है भाई, लॉकडाउन लग गया, मुझे पता जो कंडीशन थी वो थी। हाँ मुझे पता है कोरोना वायरस की छुट्टियाँ चल रही हैं, ये लाइन हमारी बिल्कुल नहीं है, कोरोना वायरस की छुट्टियाँ चल रही हैं, ये लाइन तो फंस गई ना, सुनो कोरोना वायरस की छुट्टियाँ चल रही थी, फिर मैंने सोचा गरपुर जाते हैं। शादी जल्दी कर, काट काट और लॉकडाउन था,
लेकिन आवाम बड़ी थी, आवाम बहुत ज़्यादा थी। तो इसको वो सेल भाई वाला जंगला आ रहा था, सारे जो है वो कोरोना की छुट्टियाँ मनाने के लिए आए। ठीक है, महाराज शेर भाई ने चाय पिलाई, शेर चाय पे एक शेर शेर रू बरू इश्को वो भी तेरे जैसा, रू बरू इश्को वो भी तेरे जैसा, फिर खसारे कौन कहाँ देखे। ठीक है, इसलिए भी चाय पी के जाना घर, मेरे घर, वहाँ पे आज शेर भाई की पसंद की एक चीज़ बनवाई है, वो हमने खानी है और उसके बाद सारी कचेरी वहाँ करेंगे। तूने भाई अपना नेट का बिल भर दिया? भर दिया, क्योंकि अगर इस लॉकडाउन में नेट बंद हो जाएगा तो हम घर पे बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, और अपने खाने पीने के लिए चीज़ें ले ली, सारी चीज़ें लेनी है इसने अपने खाने पीने के लिए, और मैंने भी ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। बस यार मैंने असल में आज ना गाड़ी सेट करवानी थी, वरना तुझे पता है 10 दिन ना ही बंद रहेंगे, मसला बड़ा रहता। तू भी सेट करवा ले, मैं आज शाम में करा दूँगा, वरना मेरे पास घर पर ट्रिमर पड़ा हुआ है, पकार लगा जैसे सेट कर दूँगा तुझे। मैंने यार असल में जो है ना अभी आज जो है ना रात को 2-3 वेब सीरीज हैं इंडियन आई है, मीमी आई है और एक दो और हैं, वो निकाल कर 8 दिन गुजर जाएंगे। बादल चाय के लिए शुक्रिया। लगारी से दोस्ती करने में 2 नुकसान हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ उसी के, चाय 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 के अलावा दूसरी बात कर ले यार। कल इस बंदे को मैंने एक शेक पिलाया, ठीक है मैंगो शेक मैंने इसको पिलाया, इसने मैंगो शेक का गिलास रखा, उसके बाद घर से निकला है, बोला तूने मुझे चाय नहीं पिलाई, चल अभी चाय पीने चले। अबे भाई एक सेकंड हुआ यार, वो अभी तो मैंने हैदराबाद को तो बताया नहीं, मुझे हैदराबाद में 2 रातें रुकी, 2 रातों के अंदर हमने 10,000 रुपये तक की चाय पी है मैक्सिमम, मेरी जेब में थे नहीं, मेरी जेब में 10,000 रुपये, ठीक है 10,000 की चाय, बस चाय के अलावा हमने कोई काम ही नहीं किया, खाली चाय पिए और सुबह 2 दफ़ा नाश, 1-2 दिन रुके ना अपन, मतलब 1 रात रुके 1 दिन, रात में 1 दफ़ा खाना खाया, क्योंकि हमने बर्गर खाए थे तो उसमें भी इतना पैसा नहीं लगा था, 200-300 रुपये लगे थे, सुबह नाश्ते में भी 400-500 रुपये लगे। अच्छा, और जो ओवरहेड और बाकी जो है ना सारे पैसे चाय के लगे, ये 4 बजे रात 4 बजे कहाँ जा रहा चाय लेने, इतनी ठंड की चाय लेने, 5 बजे चाय, 6 बजे चाय, 7 बजे चाय, इतने पैसा इसको चाय में लगा, वो मुझे अभी तक जो है ना बात दुखती है, 10,000 रुपये चाय में लगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी जेब में थे 10,000 रुपये चाय में लगे, वो सब देख हम एक जगह से हिले नहीं, खाली पैसा लगा था सारा, तू हिसाब कर ले, एक दिन तो नाश्ता सामान नहीं करवाया था, एक दोस्त आया था मेरे पूछा तो एक दिन नाश्ता उसने करवा दिया था, ठीक है नहीं नहीं उसने नहीं उसके पैसे हमने दिए थे, एक दिन अपन ने तुझे याद है वो बड़ा पराठा खाया था, बड़े वाला पराठा, बिरयानी पकी है बिरयानी, अच्छा अच्छा वो शेर है ना वो एक, देख मैं क्या खा रहा हूँ तेरी पसंद को अपना बना रहा हूँ, तेरे जो मोटे मोटे जो लोग हैं ना वो बिरयानी खा खा के खुले, समझा जैसे तो बिरयानी को एंजॉय कर, मैं अपनी बिरयानी खाता हूँ, बाकी की बात हम उसके बाद करेंगे। फाइनली अब ये इतना बड़ा समझ गया होगा कि अब हम मेरे घर आ गए, पहले हम इसके घर चाय पीने गए थे, ठीक है कहाँ फिर बात करते हैं। जो है आप खुदा और मोहब्बत ड्रामा देख रहे हैं बैठ के, ये ड्रामा मैंने देखना छोड़ दिया, लंबा बहुत कर दिया फजूल के अंदर, अब मैं उसे कह रहा हूँ उड़ जा उड़ जा उड़ जा, कितना लंबा करेंगे ड्रामा, हाँ उड़ जा भाई उड़ जा छोड़, बंदे को ड्रामे का क्रेज है, कह रहा हूँ लाहौर की टिकट कटवा देता हूँ, इधर तो वैसे ही वो सोहेल कहता है ना कोरोना वायरस की छुट्टियाँ हैं तो चलते हैं, कोरोना वायरस की छुट्टियाँ लाहौर घूम के आते हैं, क्या कहता है हालांकि बहर ड्रामा यार इसका जो है ना मेरे सर में दर्द हो गया, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से चेयर से उठे तो ये व्लॉग एंड करूँ और वीडियो को एडिट करूँ, भाई उठ जा यार मेहरबानी कर, अब भाई फाइनली जा चुके हैं, मैंने अपने सिस्टम में जो है ना लॉकडाउन गुजारने के लिए जो है काफ़ी कुछ डेटा जो है ना जमा कर लिया है, उस पर काम करते करते जो है लॉकडाउन गुजर जाएगा। बहरहाल आज का व्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि अभी मुझे एडिट भी करना है, टाइम मत पूछो यार क्या हो रहा है, टाइम हो रहे हैं 3 बज रहे हैं रात के, तो इसलिए गुड नाइट, और मैं वैसे ही व्लॉग जो है रात में एडिट करता हूँ, तो इसलिए गुड नाइट और दुआओं की दरख्वास्त, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग ज़रूर देख लेना, काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है लेकिन देख लेना, हाँ कोई 8 महीने के बाद ऐसे कुछ आ रहे हैं, बस खुश रहिए प्यार बांटिए, ठीक है यार ये मेरी लाइन नहीं है कि एक इंडियन ब्लॉगर है उसकी लाइन थी, कॉपी कर ली, फिलहाल
इसलिए गुड नाइट, ओके, थैंक यू।